एक कीर्तन शुरू होते ही महाराज जो नाचने लग जाते हैं उनके चित्त में, बोले नारद जी बैठ के आए हैं इनके चित्त में, कीर्तन प्रारंभ होते ही खड़े हो जाते हैं। एक बार मेरी पंजाब के लोगों ने कहीं कथा कराई, लुधियाना के पास में एक जगह वहां के लोग थे, तो सूरदास जी का एक पद है, नाचो बहुत गोपाल अब मैं, नाचो बहुत गोपाल, काम क्रोध को पहर चोलना, कंठ विषय की माल, नाचो बहुत गोपाल अब मैं, नाचो बहुत गोपाल। इतना गंभीर पद है ये, इसमें सूरदास जी महाराज कह रहे हैं कि हे नाथ, मैं पृथ्वी पर बहुत नाच लिया, काम क्रोध को पहर चोलना, कंठ विषय की माल। बहुत सुंदर पद है, गंभीर पद है। ठाकुर जी से प्रार्थना अर्ज लगा रहे हैं कि नाथ, हम बहुत नाच लिए संसार में, अब हमको उबारो यहां से। बड़ा गंभीर पद में आंख बंद करके गा रहा था, नाचो बहुत गोपाल अब मैं, नाचो बहुत गोपाल। थोड़ी देर बाद आंख खोल के देखी तो सब नाच रहे थे वहां पे। अब मैं तो देख करके हैरान हो गया, मैंने कहा इतना गंभीर पद ये नाच क्यों रहे हैं? बोले इसलिए नाच रहे हैं क्योंकि उसमें नाचो शब्द आ रहा है ना, नाचो। पंजाब के हमारे भक्त तो नेक, धुन बजनी चाहिए सोई थिरकने लगते हैं। नारद जी की ज्यादा कृपा है आप लोगों पर, तो आप लोग नहीं आते हैं कथा में, आप सबके चित्त में विराजमान होकर कोई ना कोई वैष्णव भक्त आता है। कोई हरदासी तिलक लगा करके आया तो निश्चित ही स्वामी श्री हरदास जी और उनके परिकर का ही कोई वैष्णव उसके चित्त में बैठ के आया है। श्री विट्ठल विपुल देव जी आए होंगे, विहारिन दास जी आए होंगे, स्वामी श्री हरदास जी आए होंगे। हमारी आपकी सामर्थ्य नहीं कि हम कथा बैठ करके संपूर्ण श्रवण लाभ ले सकें, ये कोई चित्त में वैष्णव ही हमको खींच करके लाता है और ला करके कथा में बैठाता है। और जब इतने भक्त एक साथ इकट्ठे होते हैं, ठाकुर जी कैसे वैकुंठ में रह सकते हैं? ठाकुर जी तो आते ही हैं। मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद, मेरे अनन्य भक्त मिलकर के जहां मेरा गुणगान करते हैं वहीं मैं रहता हूं। हमारे गौर श्री स्वामी श्री कृष्णानंद जी महाराज, आप श्री का बहुत अनुग्रह है दास के ऊपर। आज कथा में आने से पूर्व मेरा तो एक महीना की हमने कथा करी नासिक में, तो वहाँ हमारा नियम था मौन रहते थे, कथा में ही बोलते थे बस। तो वहाँ से जब आए तो महाराज जी ने एक नियम दे दिया, जिन महाराज जी ने एक महीना कथा कराई उन्होंने एक नियम दे दिया कि आप कम से कम एक नियम का पालन अब जीवन भर करिए। मैंने कहा आज्ञा करें। बोले हर कथा में कथा से पहले और कथा के बाद एक घंटा मौन रहो। तो हम कथा से पहले और कथा के बाद एक घंटा मौन ही रहते हैं। मौन अवस्था में थे लेकिन महाराज जी बहुत अपने भाव बता रहे थे। आप श्री ने एक बहुत अच्छी बात कही कि आजकल सनातन धर्म को बचाने की बात की जाती है, हिंदुओं को एकत्रित होने की बात की जाती है, अपनी सनातनी परंपराओं को एकाग्र करने की बातें की जाती हैं, आजकल के युवाओं को सनातन धर्म के विषय में बताने की बात की जाती है, धर्म परिवर्तन लोग कर लेते हैं लोभ में आके, इन सब की बातें होती हैं। लेकिन आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि पूरा भारत संभल जाएगा यदि पंजाब संभल गया तो। आपके हाथ बहुत सुंदर, पैर बहुत सुंदर, आंख बहुत सुंदर, नाक बहुत सुंदर, वाणी बहुत सुंदर, लेकिन बुद्धि खराब हो जाए तो, बुद्धि खराब हो जाए तो आप अपने सर्वांगीण अंग का दुरुपयोग करेंगे। इसी प्रकार से सबसे ज्यादा धनवान, सबसे ज्यादा गुणवान, सबसे ज्यादा रूपवान, सबसे ज्यादा पौरुषवान, सबसे ज्यादा विद्वान, सबसे ज्यादा पराक्रमीवान सब लोग कहाँ हैं? पंजाब में ही हैं।
अगर पंजाब समझ गया तो पूरा भारत समझ जाएगा। महाराज जी ने बहुत अच्छी बात कही। हमारा विषय तो वैसे हम बहुत करुण वक्ता हैं, ज्यादा धीमी धीमी कथा कहते हैं, ज्यादा हमसे वीर रस की कथा होती नहीं है, पर महाराज जी बार बार कह रहे थे, बोले कि आप थोड़ा अपने मंच से कहेंगे तो बालकों पर उसका प्रभाव पड़ेगा। हम प्रयास करेंगे कि इन 7 दिनों में पहले हमारी गले में भी वीरता आवे। अभी हमारा ही गला थोड़ा सा उलझा पड़ा है, लेकिन ये निश्चित ही विचारणीय बात है। राम मंदिर के लिए कितने लोगों ने युद्ध किया, कितने लोगों ने परिश्रम किया, आज राम मंदिर बन गया, पर कितनी जल्दी हम लोग भूल गए। अब स्मृति में भी नहीं है कई लोगों के राम मंदिर। राम मंदिर बन तो गया, व्यवस्थित हो तो गया, पर भविष्य में जाएगा कौन वहां पर, क्योंकि हमारे बालक तो जाना नहीं चाहते। पर अभी ना, अभी थोड़ा सा बदलाव आया है। कुछ समय से मैं अनुभव कर रहा हूं, आपको भी हो रहा होगा, अब धीरे धीरे भक्ति मार्ग में लोग प्रवृत्त हो रहे हैं और विशेष रूप से युवा भाई बंधु हो रहे हैं। पर हमको अंदर अंदर ये भय लगता है कि ये कुछ दिन का लोभ ना हो। भक्ति कैसी होनी चाहिए? कॉन्स्टेंट होनी चाहिए। एक बार होने के बाद यदि भक्ति में कटौती आती है तो उसका अपराध होता है। आप एक बार वृंदावन से जुड़ गए और किसी कारण से आप वृंदावन से बिछुड़ गए, या वृंदावन का अब भाव वैसा नहीं जैसा पहले था, तो ये आपके आपका कोई अपराध आपसे बना है, इसलिए ऐसा हो रहा है। हमारे बालक आज जुड़ तो रहे हैं भक्ति मार्ग से, कथाओं से, सत्संग से, अध्यात्म से, सनातन धर्म से, पर ये जुड़े रहे। करंट जाता रहेगा बल्ब में, तभी प्रज्वलित होगा, वो प्रकाश देगा। जिस दिन करंट छूट जाएगा, कितना भी अच्छा बल्ब हो, प्रकाशित नहीं कर पाएगा। हिंदू वैदिक सनातन धर्म है, यहां पर हमारी वेशभूषा में धोती और बगलबंदी क्यों है, ये भी प्रैक्टिकल है। हम तिलक क्यों लगाते हैं, ये भी प्रैक्टिकल है। ब्राह्मणों को शिखा क्यों रखनी चाहिए, सब प्रैक्टिकल है। जनेऊ धारण क्यों करना चाहिए, गौ सेवा क्यों करनी चाहिए। मानवों को 2 रत्न मिले हैं, समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले थे, कितने रत्न निकले थे, और उन 14 रत्नों में 2 रत्न मानवों को दिए गए थे। कौन कौन से? पहला शंख और दूसरा गैया गौ। ये 2 रत्न मानवों को दिए गए, और इन रत्नों के विभाजन में ये नियम बनाया गया कि यदि जिनको ये रत्न मिले हैं वो प्रत्येक दिन इनका स्पर्श या इनकी सेवा नहीं करेंगे तो वो अपने वर्ण से विलग होते चले जाएंगे। आज मानव मानवता क्यों भूलता जा रहा है? अगर हम अभी कहें कि कितने लोग रोज शंख बजाते हैं घर में, तो ज्यादा से ज्यादा 200-300 लोगों के हाथ उठेंगे, सब लोग नहीं बजाते। जबकि शंख हमको रत्न रूप में भगवान ने प्रदान किया है। कितने लोग गैया की सेवा करते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा 50-100 हाथ उठ जाएंगे। अरे वो भगवान के द्वारा प्रदत्त रत्न है, उसका नित्य स्पर्श, उसकी नित्य सेवा, ये हमारा दायित्व है, कर्तव्य है। महाभारत के अनुशासन पर्व में भीष्म पितामह से युधिष्ठिर जी ने पूछा, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए सब लोग। युधिष्ठिर जी पूछते हैं कि गौ सेवा का महत्व क्या होता है, गौ सेवा से क्या प्राप्त होता है, भगवान इसके बारे में हमें बताओ। हमारे पूज्य पिताजी महाराज, परम पूजने प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री ठाकुर जी महाराज, पूज्य श्री कृष्णचंद शास्त्री ठाकुर जी महाराज, आप श्री साल भर में 2 या 3 कथाएं गौ माता की सेवार्थ करते हैं, बिल्कुल निःशुल्क। जो कुछ व्यासपीठ पर भी आता वो भी गौशाला में ही दे आते हैं हमारे पूज्य पिताजी महाराज। महाराज जी, इतने लोग यहाँ बैठे हैं, इतने लोग भक्ति पथ पर कथा सुन रहे हैं। हमारी खुद की लाल जी की गौशाला है वृंदावन में, लेकिन किसी को नहीं पता होगा कहाँ है, उसमें कितनी गैया हैं, उनकी
कभी उसका कोई किसी से मांगा ही नहीं गया, अपने आप हम और पिताजी सेवा करते हैं वहां गैयाओं के। हमारी जो आज ये स्थिति हुई है ना, ये जो गला खराब और बुखार आया है, ये यहाँ आने से पहले एक सप्ताह की कथा थी हमारी मेरठ में। मेरठ की कथा को स्थगित करके आए कि भाई कुछ दिन घर रहेंगे, तो मेरठ कथा स्थगित करी, तो घर पर कुछ काम थे उनको निपटा करके एक दिन खाली था, सोचा क्या करें। तो महाराज जी गैया चरावे गए हम लोग, हम और हमारे सारे परिकर के लोग, हम लोग गैया चराने गए। तो गैया चराने गए तो मन में पहले भाव था कि लाल जी को संग लेके जाएं, पर फिर मन में आया कि लाल जी को व्यवस्थित करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, गैया तो कहीं भी भागती है और कहीं जोर से कहीं टकरा गए लाल जी लुढ़क गए नीचे। तो हमारे मन में भाव आया एक काम करते हैं, लाल जी को घर ही छोड़ जाते हैं, इनकी वंशी और लकुटी संग ले जाते हैं। तो लाल जी की वंशी और लकुटी हम संग ले गए। अब देखो ये लीला नहीं है तो क्या है, जब मैं वंशी और लकुटी ले रहा था तो मैंने नेक ठाकुर जी की ओर देखा तो मानो ऐसा लगा क्रोध में देख रहे हैं, उद्दारी के मुंह ना ले जाएगा, जबकि ठाकुर जी को तो बहुत चाव होता है गैया चराने का और पहली बार गैया चराने गए हम। फिर भी ये भी थोड़ा अनुभव हुआ कि क्रोध में है, फिर भी हमने कही नहीं नहीं आप बैठे रहो, कल जलंधर निकलना है, कहीं अभी गिरगिरा गए तो फिर कैसे संभालेंगे हम आपको, आप बैठो हम वंशी और लकुट ले जा रहे हैं, इसके भाव से आप चल दो। खूब धूप पड़ रही थी, हम तो विलंब कर रहे थे कि भाई थोड़ा और विलंब से जाएं, एक छाया हो जाए तब जाएंगे गैया चरावे, लेकिन फिर भी मन में था कि चल देते हैं। 2-3 बजे का समय, गौशाला पहुंचते ही न जाने कहां से गड़गड़ 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 करते काले काले बादल आए, और गाड़ी ये ताली बजाई वाली बात नहीं है, सुनो पहले, गाड़ी से उतरते ही मूसलाधार बारिश, मतलब कोई दूर दूर तक कोई था ही नहीं बारिश का योग, और इतनी बारिश इतनी बारिश इतनी बारिश भाई कि महाराज हम सब रे ग्वारिया बने बैठे रहे, गैया चराई नहीं पा रहे। और तब मन में भाव आवे, अच्छा गैया को बारिश से खूब, वो बारिश में निकलती नहीं उछलने लगती है, हमने कि क्या करें, वहीं एक भवन सा था उसके नीचे बैठे बैठे सोचते रहे बारिश बंद हो तो गैया चराए बारिश। इतने में बज गए 5-6 बज गए शाम के, और जैसे ही सब साक्षी थे हमारे साथ के सब लोग, जैसे ही मैं बाहर जाऊं, बाहर जाती बारिश शुरू हो जाए, जैसे ही मैं भीतर कमरा में आऊं सो बारिश बंद हो जाए। मैं समझ गया, मैंने कि लाल जी आनंद कर रहे हैं, लाल जी कह रहे हैं कि मुंह लेके ना गए, अब तू चरा के दिखा गैया, मुंह तो लेके गए नहीं है। लेकिन हमने भी थोड़ी हट करी, मैंने कि ठाकुर जी इतने दिनों से सेवा कर रहा हूं, अब अधिकार तो मुंह को मिल गया आपसे लड़वे को, मैं हूं चरा के आऊंगा आज गैया। रिम जिम बारिश थी, हम जबरदस्ती गैयान को, मैंने कि चलो सबरी चरवे, और गैयान को लेकर के गए। जैसे ही पहुंचे मैदान में, इतनी जोर की बारिश भाई, गैया तो भाग गई सब गौशाला में, हम फंस गए वहीं, भीज गए ऊपर से नीचे तक, नीचे पूरा दलदल है गयो। और वही को प्रमाण कि जैसे घर लौट के आए तीव्र बुखार रात में, लाल जी से 2 दिना से क्षमा मांग रहे हैं, अगली बार आपको ले चलेंगे, अब ये बुखार ठीक कराओ। ठाकुर जी बुखार नहीं देते, ये ठाकुर जी ने नहीं दिया, ठाकुर जी बल्कि ये कहना चाह रहे थे कि मोय लेके चलता तो मेरो तो स्वरूप ही गिरवरधारी है, ऐसो गिरराज उठातो कि इंद्र तेरो कछु बाल बांको नहीं कर पातो, एक बूंद नाए गिरन दे तो बड़े भाव से तू गैया चराते हो, तू मोय लेके क्यों नहीं गयो, अब मेरी शरणागति छोड़ के गयो तो फिर भुगत, तो वही भुगत रहे ये जो हमारा अस्वस्थता अभी हुई है। ऐसे हमारे सांचे ठाकुर हैं श्री गिरधर लाल, बड़ी बड़ी लीलाएं करते हैं। पंजाब के भी कई भक्तों को ठाकुर जी ने स्वप्न में कितने अनुभव करा रखे हैं हमारे गिरधर लाल जी ने, छोटे से ठाकुर जी हैं पर बड़े आनंद वाले हैं। तो अनुशासन पर्व में भीष्म पितामह से युधिष्ठिर जी पूछते हैं कि गौ सेवा का महत्व क्या है, तो भीष्म पितामह कहते हैं कि गौ सेवा का महत्व तो बहुत दूर की बात है,
गलती से राह चलती भई गैया से छुप जाने का महत्व क्या, ये सुन लो। क्या सेवा का महत्व तो बाद में आप लोग हिसाब लगाते रहना। गलती से गैया से अगर आप छुप गए उसका फल आपको क्या मिलेगा, वो भीष्म पितामह बता रहे हैं। तो भीष्म पितामह कहते हैं कि दुनिया में सबसे कठिन मार्ग है नरक का। भागवत जी में वर्णन आता है जब व्यक्ति नरक जाता है ना तो उसके गले में फंदा बांध करके यमदूत इतनी द्रुत गति से लेकर के जाते हैं कि जब वो नरक पहुंचता है तो उसकी आंखें पैरों में पहुंच जाती हैं, उसका नाक कहीं और चली जाती, मतलब सारे अंग प्रत्यंग अंग भंग हो जाते हैं, इतनी तीव्र गति से लेके जाते हैं और पहुंचने में हजारों वर्ष लगते हैं, हजारों वर्ष तक द्रुत गति से घसीटते हुए लेके जाते हैं। इतने दिन लगते हैं नरक पहुंचने में कि बीच रास्ता में ही व्यक्ति हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगता है, मेरे प्राण हर लीजिए हे विधाता। पहले तो वो ये रोता है कि मुझे नरक ना जाना पड़े, लेकिन जब नरक के मार्ग पर चलता है तो मार्ग इतना दुर्गम होता है कि व्यक्ति प्रार्थना करता है, हे भगवान कृपा करो जल्दी नरक पहुंचूं, मैं ये मार्ग मुझसे सहन नहीं हो रहा। उस मार्ग पर ले जा करके जैसे ही नरक आने वाला होता है यमदूत उसके गले का फंदा छोड़ देते हैं और उसको एक नदी में डाल देते हैं। उस नदी का नाम क्या है, वैतरणी। क्या नाम है, वैतरणी। वैतरणी नदी में रक्त मवाद मल मूत्र आदि बहता है, इतनी भयंकर दुर्गंध आती है कि एक बार यदि किसी की नासिका में चली जाए तो वो मूर्छित होकर गिर जाएगा। ऐसी योजनों लंबी वैतरणी नदी में उस व्यक्ति को डाल दिया जाता है और कहा जाता है पार करो, पार करके पहुंच जाओ नरक। उस वैतरणी नदी को पार करने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं, तब जाकर के वो व्यक्ति नरक पहुंचता। अब नरक में जाकर के उसका बही खाता खोला जाता है, तैने संसार में क्या क्या किया उनके अनुरूप उसको पाप। तो नरक कितना खतरनाक है, नरक में जाकर के केवल अपने पाप भोगने मात्र नहीं करने, हमको मार्ग और बीच की वैतरणी इतनी खतरनाक है, बाद में भोगना वो अलग है। लेकिन भीष्म पितामह कहते हैं भैया यदि कोई व्यक्ति गलती से भी वेद लक्षणा भारतीय गौवंश की गैया का यदि स्पर्श कर ले तो उसका प्रभाव क्या होता है कि यदि उस व्यक्ति को पाप के कारण नरक जाना है तो मार्ग में आने वाले मार्ग का अवरुद्ध और वैतरणी का अवरुद्ध वो दोनों सुरभि गैया अपनी पूंछ पकड़वा करके उस व्यक्ति को दोनों क्षण भर में पार करा करके उसको नरक पहुंचा देती है, उसको वैतरणी में डूबने नहीं देती, उसको मार्ग में अवरुद्ध आने नहीं देती। यह गलती से छूने का अभिप्राय है। और यदि कोई व्यक्ति भाव से नित्य स्पर्श, एक कथा सुना है लीला, ठाकुर जी मैया से जिद कर रहे हैं मैया में गैया चरावे जाऊंगो, इतना सुंदर पद है चीत स्वामी जी का, आगे गाय पाछे गाय इत गाय उत गाय गोविंद तू गायन में बस वो ही भावे आगे गाय पाछे गाय इत गाय उत ठाकुर जी को सबसे प्रिय संसार में यदि कोई है तो वह गैया। हमारे ब्रज में एक रसिया गाते हैं, गैया लगे अति प्यारी जग पालन हारी, ठाकुर जी स्वयं गाते हैं इस रसिया को। याद रखिएगा बंधुओं, आप नाम जापक हो, आप परिक्रमाएं करते हो, आप नित्य धाम जाते हो, आप नित्य गुरुजनों की सेवा करते हो, आप नित्य संत सेवा करते हो, पर ये सब आपके जीवन है, जीवन में है पर गौ सेवा आपके जीवन में नहीं है, तो ठाकुर जी आपसे दूर ही हैं अभी भी।
लेकिन आपसे नाम जब ज्यादा नहीं बन पाता, परिक्रमा आधी अधूरी में ही थक थका जाते हो, संतों की सेवा भी अच्छे से बन नहीं पाती, धाम भी नित्य जा नहीं पाते, पर गौ सेवा में नित्य निपुण हो, तो ये समझ जाइए ठाकुर जी गोद में ही बैठे हैं आपके। जिसके अंग से, जिसके तन से गौ रस की या फिर गौ गोबर की सुगंधी आती है, ठाकुर जी वही के पास रहे, इत्र बार इनके पास ना रहे ठाकुर जी। ठाकुर जी को इतनी प्रिय है गैया। आप ये मत सोचना महाराज जी बैठे मंच पर इसलिए गैया की बहुत प्रशंसा कर रहा हूं, नहीं, गैया बहुत प्रिय है ठाकुर जी को, निश्चित ही बहुत प्रिय है। तो एक बार को प्रसंग है कि ठाकुर जी रो रहे हैं मैया ते, कह रहे मैया मैं गैया चरावे जाऊंगो। मैया बोरी लाला तू अभी नेक्सो सो तो है, देख इतनी बड़ी बड़ी गैया इन सबन के बड़े बड़े पामन के बीच में आ जाए वो लाला तेरे लग जाएगी, तू जिद मत करे। ठाकुर जी तो जिद करने लगे, ना मैया मैं तो गैया चरावे जाऊंगो, मुकु गैया चरानी है। इतने रोन लगे ठाकुर जी, तो नंद बाबा आए, नंद बाबा ने आके कही का बात है लाला काय को रो रो है। यशोदा मैया बोली यो करो गैया चराऊंगो, और माने ना नेक सो सो है, अभी मैं कह रहा हूं कछु दिना डट जा, बड़ो है जा फिर चराई लियो, नहीं नहीं मैं तो अभी चरावे जाऊंगो। सांडिल्य मुनि बुलाए और सांडिल्य मुनि से कही बोले बाबा आपने मुहूर्त देख के बताओ लाला गैया कब चरावे। तो सांडिल्य मुनि ने जैसी पंचांग खोल करके देखी तो सांडिल्य मुनि बोले बाबा तुम्हारो लाला मुहूर्त में ही रोवे, आज ही बढ़िया मुहूर्त है, आज ही गैया चरवाओ जाते, तुम्हारो लाला मुहूर्त देख के रोवे। और महाराज पूरे ब्रजमंडल में आनंद है गयो, लाला गैया चरावे जाएगो। यशोदा मैया ने सुंदर श्रृंगार किया ठाकुर जी को, ऊंची धोती पहनी, गले में सुंदर हार, पतरे पतरे हार पहने की कहीं खो ना आवे, कारी कमरिया कंधा पे डाल ली ठाकुर जी ने। ये कमरिया कहा है, ठाकुर जी कहीं बैठे हैं तो वहां बिछा के बैठ जाएं, कारी कमरिया, कमरिया डारी, सिर पर छोटो सो एक बढ़िया पुष्पन को श्रृंगार करके मोर पिछ धारण कियो। और मैया ने जैसे ही ठाकुर जी के चरणन में पादुका पहना है, सोई ठाकुर जी कहने लगे मैया जी कहा पहना रही है। मैया बोली लाला तेरे कोमल कोमल पाम, तू कहीं वन में गयो तेरे कांटे लग गए कीट पत्थर लग गए तो रोवेगो, जब पादुका पहन के जाएगो तो तेरे पामन में कीट पत्थर कंकड़ लगेंगे ना। सोई ठाकुर जी दौड़ के गए और अपनी गैया ने गिनन लगे। मैया बोली कहा कर रो है। बोले मैया मैं गैयान को गिन रहा हूं, मेरे तो दो पामे इनके चार चार हैं, इतनी पनैया और मंगवा दे, इतनी पादुका और मंगवा, सबन को पहना के ले जाऊंगो। मैया बोली लाला तू तो ऐसी बात करे, अरे जे गैया जे पामन में पादुका ना पहनो करे। ठाकुर जी बोले चौना पहने, मैया इनके कांटे ना लगे, इनके पत्थर ना लगे, इनको निष्ठुरता ना लगे। मैया बोली लाला देख तेरे तो कोमल पाम है और इनके तो खुर हैं, खुरन में कांटे पत्थर ना लगो करें। ठाकुर जी तो रोन लगे, पछाड़ खा के गिर गए। मैया बोली काय को रो रो लाला। बोल मैया मेरे पाम खुर क्यों ना बने, मेरे पाम पाम ही क्यों रह गए, जे गैयान के पाम खुर बन गए मेरे खुर क्यों ना बने, जरूर तेने खाने पीने में कोई कमी छोड़ी होगी जब मैं तेरे पेट में रहे होंगे। यशोदा मैया बोली लाला तेरी बातन की तो कोई सल ना है पड़े। अरे लाला जे खुर तो जानवरन के हूं मैं, हम मानवन के ना हूं मैं। और महाराज ये बात सुन के तो ठाकुर जी इतने रोए कि आंख लाल पड़ गई, गाल लाल पड़ गए, अपनो सबरो श्रृंगार फेंक दियो, अपने सबरे कड़ूला उड़ूला उतार के फेंक दिए और जमीन में लोट लोट करके मूड़ दे दे करके रोमे ठाकुर जी। नंद बाबा दौड़े दौड़े आए, अरे लाला कहाँ है गो। बड़ी देर में ठाकुर जी शांत भये, तू रो काई को रो है जे बता। ठाकुर जी बोले बाबा जी मैया सबरी गैयान को जानवर कह रही है, जिन गैयान ने मुकु दूध पिवा के बड़ो कियो वो जानवर है, और यदि दूध पिवारे वारी गैया जानवर है तो मैया तू भी जानवर है, बाबा वो जानवर है, मैं हूं जानवर हूं, हम सबरे जानवर हैं।
मैया ने दोनों कान पकड़े, लालत कही आज के बाद कभी गैया सो जानवर नहीं कहूंगी। तब ठाकुर जी प्रसन्न भए, बोले हाँ मैया कभी जानवर मत कहियो, जे जानवर ना है जे तो मेरी मैया है। गैया से इतना प्रेम है ठाकुर जी को। श्रीमद् भागवत में गौ प्रेम ठाकुर जी का इतना अद्भुत वर्णन किया है श्री शुकाचार्य जी ने। ऐसी गैया से हमको प्रेम हो जाए। हम तो अपनी कथा में कहते हैं ठाकुर जी को प्रिय लगने वाली वस्तु यदि आपको प्रिय लग गई, अभी तो वृंदावन प्रिय लगा है आपको। वृंदावन निश्चित है, यहां जितने लोग बैठे हैं सबको वृंदावन प्रिय लग गया है। अब वृंदावन के बाद बारी किसकी है? अब गैया की है। अब गैया प्रिय लगे और गैया के बाद फिर वैष्णव प्रिय लगे, वैष्णवन के बाद फिर ठाकुर जी के धाम के सुंदर सुंदर जो पर्वत हैं, जो नदियां हैं वो प्रिय लगे। इन सबसे प्रेम होना ही ठाकुर जी से प्रेम होने के समान है। तो भैया पंजाब के हमारे जितने भी वैष्णव कथा सुनने, सबसे हमारी एक प्रार्थना और वृंदावन से प्रेम करने वाले समस्त वैष्णवों से प्रार्थना कि जितनो प्रेम वृंदावन से है उतनो प्रेम अब गैया से करनो प्रारंभ कर दो, उतनो प्रेम यमुना जी से करनो प्रारंभ कर दो, उतनो ही प्रेम गिरिराज जी से करनो प्रारंभ कर दो। आप निश्चित मानियो आपको ठाकुर जी से प्रेम नहीं करना पड़ेगा, ठाकुर जी आपसे प्रेम करेंगे फिर, और यही हमें चाहिए। तो